Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ. तो गाइस, आज हम बात करने वाले अपने करंट अफेयर्स की, और हर बार की तरह इस बार आज एमसीक्यूज नहीं होंगे, बिकॉज हम आज के जो भी इन्फॉर्मेशन है कल से आपसे वो पूछेंगे. ठीक है, चलिए. तो मंडे को आपकी रिविजन क्लास होती है, आपको पता ही है. तो आज जो होता है ट्यूजडे को हमारी क्लास में एमसीक्यूज नहीं होते हैं, और हम आज इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे. कैसे हैं आप लोग? कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है? एग्ज़ाम्स आगे हैं, जो भी पिछला एग्ज़ाम हुआ है, जो फेल्योर हुआ है, उसको लेके बैठना नहीं है, आगे बढ़ना है, बिकॉज यही हमारी मोटिवेशनल कोट भी कहती है. तो मोटिवेशनल कोट कंप्यूटर जी एक बार दिखाएं बच्चों को. कंप्यूटर जी मोटिवेशनल कोट लेके भी आ रहे हैं आपके सामने, और यहाँ पर हमारा कोटेशन आएगा और आपको समझाएगा कि अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा. ये जो हम काम करते हैं ना, कोई वर्क करते हैं, तो उसमें बाधाएं ज़रूर आती हैं. हम भगवान नहीं, हम इंसान हैं. हम कोई भी काम करते हैं, उसमें बाधाएं ज़रूर आनी है, क्योंकि ये बाधाएं हमारे प्रदर्शन को और निखारती हैं. जो भी चीज़ें हैं हमारे अंदर, वो कब बाहर आती हैं? बिकॉज जब हमारे सामने चैलेंजेस होते हैं. जितने भी बॉयज मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनके जब सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं तो वो क्या पूरे साल पढ़ाई करते हैं? नहीं, एक दिन पढ़ाई करते हैं, एक रात पढ़ाई करते हैं, और एक रात पढ़ाई करके पास हो जाते हैं, क्योंकि वो बाधाएं हैं. रात दिन भर साल में कुछ नहीं पढ़ा, अब एक दिन में दिखाना है तो दिखाना है. तो अगर आप एक दिन पढ़कर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे तो फर्स्ट दिन पास हो सकते हैं, तो अगर हम साल भर पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे. गर्ल्स थोड़ा बहुत पढ़ती हैं, मैं भी हॉस्टल में रहा हूं, तो मैं भी ऐसे ही पढ़ाई करता था और मैं देखता भी था, तो मैं वही अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं. चलिए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर्स, और क्या क्या हमको पढ़ना है उसके बारे में बात आपसे करेंगे. तो यहाँ पर कुछ इंडेक्सेस हैं जहाँ पर हम आपको बता रहे हैं. यहाँ पर हम साइंस एंड टेक की बात करेंगे, कमिटीज़ की बात करेंगे, पर्सन ऑन विजिट, स्पोर्ट्स, कल्चर, नेशनल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की हम बात करने वाले हैं. तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, और देखिए यहाँ पर. तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन फॉर कुंभ मेला, यानी NCR. ये NCR जो है, ये हमारा दिल्ली वाला NCR नहीं है, ये नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे है. तो NCR ने कुंभ मेले के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, उसकी थोड़ी सी झलक आपको इमेज में हम दिखा भी रहे हैं. तो ये एप्लीकेशन क्यों लॉन्च हुआ है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ गई, हम उसके बारे में बात करते हैं. अगर आप लोग कुंभ मेले गए होंगे तो पता होगा, आपको नहीं गए होंगे तो एक बार जाइएगा ज़रूर. कहते हैं कि वहाँ पर सारे पाप धुल जाते हैं नहाने से. मैं इलाहाबाद पढ़ाई किया हूँ, तो ऐसा होता था कि स्टेशन से आप बाहर निकलते हो ना, तो इतनी भीड़ होती है, और कुंभ जो है ना, वो स्टेशन से करीब 11-12 किलोमीटर दूर है. आपको चलना नहीं पड़ेगा, यकीन मानिए, आप केवल भीड़ से वहाँ पहुँच जाएंगे धक्का खाते खाते. ऐसा इतनी भीड़ होती है. तो बहुत सारे लोगों को इलाहाबाद के बारे में नॉलेज नहीं होती है, किस रास्ते से जाना है, कहाँ से नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो ये एप्लीकेशन पूरा आपको नेविगेट कर देगा. इलाहाबाद का पूरा मैप आपके सामने होगा, और जो मेले के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है. तो देखिए, तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की बात करें तो इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कि नेविगेट करेगा पूरे इलाहाबाद, मतलब कि प्रयागराज सिटी को ड्यूरिंग कुंभ मेला, और ये 15 जनवरी से काम करना शुरू कर देगा. तो जो इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है. 15 जनवरी नेविगेशन के लिए बनाई ये एप्लीकेशन प्रयागराज, मतलब कि इलाहाबाद सिटी के लिए, ठीक है. और देखिए, इस एप्लीकेशन का नाम है रेल कुंभ सेवा मोबाइल एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन का नाम हमने आपको दे दिया है, और ये भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये मेला स्पेशल ट्रेन की इन्फॉर्मेशन भी देगा, तो ये तो आपको पता है. तो आपको एप्लीकेशन का नाम पता करना है, और किसने लॉन्च किया और क्यों लॉन्च किया. तो ये सारी बातें क्लियर आई थिंक हो गई होंगी. तो आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे नेक्स्ट पॉइंट. देखिए, द एप्लीकेशन विल प्रोवाइड अ लिंक टू द यूज़र टू बाई द ट्रेन टिकट. तो आपको यहाँ से ट्रेन टिकट बाई करने में भी आसानी हो जाएगी, आपको लिंक मिलेगा यहाँ पे. तो हम प्रयागराज सिटी की बात कर रहे थे, कुंभ मेला चल रहा है, तो कभी अपने पाप धुलने का मन होगा तो जरूर जाइएगा वहाँ पर. वैसे मैं तो नहा चुका हूँ, पता नहीं पाप धुले कि नहीं धुले हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं. हम साइंस टेक की बात कर रहे थे, हम एप्लीकेशन की बात कर रहे थे जिसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी. आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की. देखिए, एब्रीवेशन, इट इज़ द वन ऑफ द 17th रेलवे जोन इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में 17 रेलवे जोन है, उसमें से एक जोन है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे. इसका सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? कानपुर सेंट्रल. कानपुर सेंट्रल सबसे बड़ा स्टेशन है, और इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद, मतलब कि प्रयागराज में है. हेडक्वार्टर प्रयागराज में है, ठीक. और अगर हम बात करते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की, तो 2003 से शुरू हुआ है.
2003 से ये शुरू हुआ है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दी। यानी कानपुर सेंट्रल सबसे बड़ा इसका प्लेटफॉर्म है और इलाहाबाद इसका हेडक्वार्टर है। जो बच्चे रेलवे के एग्जाम्स देते हैं उनको काफ़ी फायदेमंद होगा ये चीज़, ठीक है। चलिए, तो हमने 17 रेलवे जोन की बात की है, तो आपको हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। आपको हम नेम ऑफ द ऑल रेलवे जोन विथ हेडक्वार्टर यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सारी रेलवे जोन, उनके हेडक्वार्टर और कौन कौन से डिवीजन है, हम इसकी बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। आपको स्लाइड पे यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 की हमने बात की, इसके बाद वाली नेक्स्ट स्लाइड आएगी जहाँ पर भी हम आपको और दिखा रहे हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली जो रेलवे वाले बच्चे होते हैं वो थोड़ा पढ़ लेंगे, हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर है। इसके बाद एक स्लाइड और आ रही है जहाँ पर हमने और भी बात आपसे की है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, मोबाइल एप्लीकेशन की हम बात करें, इसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और ये कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ये लाइव क्लास है, मैं आपको देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप सबका प्यार है जो हमें खींच लाता है यहाँ पर, और हम इस टाइम पर आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे सीखते हैं, आपको सिखाते हैं। तो ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नीति आयोग, सॉरी HRD मिनिस्ट्री की। तो HRD मिनिस्ट्री की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है 70-point ग्रेडिंग इंडेक्स। 70-point ग्रेडिंग इंडेक्स का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में जो क्वालिटेटिव एजुकेशन दे रहे हैं उसको मेजरमेंट करने के लिए HRD मिनिस्ट्री ने एक इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसमें 1000 point दिए जाएंगे स्टेट को। और 70 point मतलब जैसे तो नहीं पैरामीटर्स, तो 70 parameters हैं जज करने के लिए। 1000 point में आपको पॉइंट मिलेंगे और आपकी रैंकिंग वहां पर दिखाई जाएगी। तो HRD मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हमारे HRD मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, जिन्होंने 70-point ग्रेडिंग इंडेक्स को लॉन्च किया है। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें आपको समझना है। ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा कि 70-point ग्रेडिंग इंडेक्स किसने लॉन्च किया, तो HRD मिनिस्ट्री ने। क्यों लॉन्च किया, तो स्टेट लेवल के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, वो कितनी कर रही है, कैसे कर रही है, उसको मेजर करने के लिए ये HRD मिनिस्ट्री ने किया है। तो आइए देखते हैं यहां पर। देखिए, तो मिनिस्ट्री का नाम आपको याद होगा HRD मिनिस्ट्री। इंडेक्स कौन सा है, 70-point ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है, टू असेस द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफर्ड बाय स्टेट, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको मेरे ख्याल से, ठीक है। देखिए, द स्टेट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग विल बी डन वेयर इन द स्टेट विल बी मार्क्ड आउट ऑफ 1000 ऑन 70 parameters, वही 1000 point की जो मैं बात कर रहा था, 70 parameters लिए जाएंगे और 1000 point में आपको पॉइंट मिलेंगे। भाई जिसका पॉइंट ज्यादा होगा वो बढ़िया नंबर पे आएगा, बढ़िया ग्रेडिंग पर आएगा। वैसे मैं आपको भविष्यवाणी कर दूं, केरला और साउथ के जो स्टेट है वो आगे रहने वाले हैं इसमें, क्योंकि थोड़ा सा नॉर्दर्न अगर बात करते हैं स्टेट की, तो वहां पे एजुकेशन का सिस्टम थोड़ा सा वीक है। तो पहले से इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि साउथ के स्टेट इसमें टॉप करेंगे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वही सिंपल सी बात है, ये हर स्टेट के जो भी परफॉर्मेंस है उसके बारे में सही जानकारी देगा, ठीक है। तो HRD मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे, इंडेक्स की बात आपको याद हो गई होगी। इसके पहले हमने बात की थी कि NCR रेलवे ने क्या किया, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर, देखिए 5000 एडिशनल सीट फॉर JNV अप्रूव्ड। अब यहाँ पर JNV का मतलब क्या है, तो आपको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 5000 सीटें और बढ़ाई जाएंगी, मिनिस्ट्री ऑफ HRD मिनिस्ट्री ने ही इसे भी अप्रूव किया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं। देखिए तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने अप्रूव किया है 5000 सीट एट जवाहर नवोदय विद्यालय। अभी आपको मैंने एक दिन पढ़ाया था कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी। अगर आपने मेरा करंट अफेयर शो ध्यान से देखा है तो मुझे यही तुरंत कमेंट में बताएं कि वो कौन सी कमेटी थी, वो कौन सी कमेटी है, जल्दी बताइए, तो मैं देखूं कि कितनी आपको इन्फॉर्मेशन यहां पर मिल रही है जल्दी। तो लतिका जी, आप यहां पर बैंकर से बात ना करिए और मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाँ यहाँ पे कॉमन मैन का आंसर आ गया, बोल रहे हैं जितेंद्र पाल नाग। चलिए वेरी गुड अर्पण, बड़े अच्छे बेटा अर्पण, बहुत बढ़िया। और देख लेते हैं यहाँ पर, हाँ कॉमन मैन आंसर मिल गया बेटा। चलिए अंशुल पांडे, सोच रहे हो, सोच जरूरी है। और यहाँ पर चेतना का भी आंसर आ गया, पंकज भी आंसर दे रहे हैं, फरहीन गुड मॉर्निंग बेटा, लेकिन आंसर दो। रोहतक वेरी गुड, अंकिता, योगेश, नेहा, गीति, ऐसे ही मैं आपको रॉकस्टार थोड़ी ना बोलता हूँ,
कुछ तो बात है ना, तो कुछ तो बात है, हम हमेशा अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड बेटा, रियली प्राउड ऑफ यू, आप लोगों को तुरंत याद है, अच्छी बात है। जिन बच्चों को नहीं याद था तो इस पर काम करने का समय है ना। तो बिल्कुल भी मैं किसी को कभी अपने शो में क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं आपको छोटा भाई छोटा बहन की तरह मानता हूँ। तो जो भी आप गलतियाँ करेंगे तो डांट खाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं डांट खाएंगे, अप्रिसिएशन भी मिलेगा आपको हमेशा और डांट भी पड़ेगी। अब चॉइस आपका है कि आप क्या लेना चाहते हैं। हाँ, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी कभी नहीं रहेगी, हम आपसे बड़े पर्सनल हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, तो आपकी गलतियों पर डांटना तो बनता है। देखो ये ऑनलाइन है बेटा, बड़ा ये सिस्टम ना बड़ा ख़राब होता है। आप बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करते हो लेकिन पहुंच शायद नहीं पाते हो, तो हमेशा हम ट्राई करते हैं कि मैं पहुंचूं, कैसे पहुंचूं, रिलेशन बनाऊं, आपसे बात करूं, आपसे आपको डांटूं। तो प्लीज़ इसको नेगेटिव मत लीजिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो भावनाओं को समझने वाली बात है हमारी, हम आगे बढ़ेंगे और आपको यहाँ पर हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिखाने जा रहे हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हेडक्वार्टर बेटा कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में आप देख पा रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी मिनिस्टर हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और अगर डिप्टी मिनिस्टर की बात करें तो सत्यपाल सिंह जी हैं। और चाइल्ड एजेंसी, मतलब कि इसके अंडर में कौन कौन सी एजेंसी वर्क करती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये दो नीचे आपको दिख रहा होगा, ये दोनों इसके अंडर में काम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग, अपने नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पर कमेटीज़ की बात करेंगे, तो गवर्नमेंट नोटिफाई हाई लेवल कमेटी फॉर असम। देखिए, मैंने आपको एक दिन इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, इसने एक कमेटी को अप्रूव किया था असम में क्लॉज 6 को समझने के लिए। क्लॉज 6 जरूरी है कि नहीं, अब ये क्लॉज 6 क्या बेटा, तो आपको पता था कि असम के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि जो असम के अपने रिसोर्सेज हैं उस पे अधिकार पहले असम के लोगों का ही होना चाहिए, बाहरियों का नहीं। ये बात आप जानते हैं, उस दिन मैंने ये बोला था कि कमेटी बनाई जाएगी और इस बार मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि कमेटी को लीड कौन करेंगे, तो ये जरूरी है और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी भी है, तो उसकी बात यहां पर करने जा रहे हैं। देखिए यहां पर, देखिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो इन्होंने एक हाई लेवल कमेटी को नोटिफाई किया है क्लॉज 6 के लिए फॉर द असम अकॉर्ड ऑन 6 जनवरी। चलिए, तो यहां पे असम अकॉर्ड क्लॉज 6 आपको ये इंफॉर्मेशन पहले से पता है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। द कमेटी इज हेडेड बाई फॉर्मर IAS ऑफिसर, इनका नाम है MP बेज बरौवा। ये नाम याद कर लीजिएगा, आपके अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज आजकल हमारे देश में रिजर्वेशन की बात काफी चल रही है ना, तो ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक। तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। तो देखिए, ये आपको पता है कि क्या क्या डिमांड थी असम के लोगों की, कि प्रॉपर रिसोर्सेज पे उनका अधिकार होना चाहिए, इवन जो विधानसभा सीट होती है उस पर भी इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो वही सारी बातें हैं जो भावनाओं को समझने वाली बात है, जो मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आपको बुलेट पॉइंट समझने होते हैं, पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत कभी नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। बट हाँ, चलिए आगे बढ़ते हुए, अब देखिए, एक बच्चे ने मुझसे डिमांड की थी कि सर आप रिसेंट कमेटी देते हैं लेकिन जो प्रीवियस ईयर्स की कमेटीज़ हैं, जो किसी टॉपिक को लेकर थी जो इंपॉर्टेंट हैं, वो कमेटी दीजिए हमें। तो मैं वो कमेटी लेकर आपके लिए आया, और टॉप 25 कमेटीज यहां पर शायद हैं। मैं आपको और भी कमेटी दूंगा, बट अगर एक ही क्लास में सारी कमेटी में दूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो जो टॉप कमेटीज हैं उसकी हम बात करेंगे, UPSC, स्टेट PSC, बैंकिंग, SSC और रेलवे, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं वो कमेटी लेकर मैं आपके लिए आया। तो यहां पर देख लीजिए, आपको सारी कमेटी बेटा मिलेगी। पीजे नायक कमेटी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखिए जी रोहनी कमेटी, अभी एक दिन मैं आपको दिखा रहा था, पढ़ा रहा था जी रोहनी के बारे में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है मैं उस पर अलग से टिक कर दूंगा, और ये PDF में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, लोढ़ा कमेटी इंफॉर्मेशन है, रतन वडल कमेटी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डिजिटल पेमेंट के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। AK माथुर कमेटी फॉर 7th पे कमीशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके लिए बेटा, तो देखिए आपको और केल का कमेटी देख लीजिएगा, केल का कमेटी कई बार एग्जाम पूछा गया, टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, ये बड़ा जरूरी है आपको याद रखने के लिए। और अगर हम बड़े श्याम बेनेगल कमेटी, ये जरूरी है, और इसके देखिए कमेटी सारी जरूरी है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसकी बात यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, और अगर बात करें तो आप जस्टिस रजिंदर सचान की बात कर लें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ कमेटीज की इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे थे, जो हमने आपको यहां पर दे दी है। एक यहां पर कमेटी, ठीक है,
तो देख लीजिएगा बेटा, वो सब जरूरी कमेटी थी, मैंने आपको टिक कर दिया, आराम से पढ़ लीजिएगा। आपको हम प्रीवियस ईयर्स की इंपॉर्टेंट कमेटीज भी देते रहेंगे, हमने आपको रिसेंट कमेटी दी है, रिसेंट कमेटी पर एक वीडियो बनाया हुआ यूट्यूब पर, टॉप 50 एमसीक्यूज वाली, आप वो भी पढ़ सकते हैं, और पुरानी कमेटीज तो हम आपको दे रहे हैं अपने करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम लोग। देखिए अर्पण बैनर्जी भाई, बहुत सारी कमेटीज़ हैं बेटा, धीरे धीरे सारी कमेटीज़ आपको हम देते रहेंगे। ठीक है, अब पर्सन ऑन विजिट की बात करने हम जा रहे हैं, और नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर दिल्ली पहुंची हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। अब नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर दिल्ली आई हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे, हम उसकी बात थोड़ी यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे, इनका नाम है एर्ना सोलबर्ग, अराइव्ड इन न्यू दिल्ली ऑन अ 3-day स्टेट विजिट। तो देखिए आपको क्या पढ़ना होता है, कौन आया हमारे देश में, कितने दिन के लिए आया, ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि प्रीवियस एग्जाम्स में ये पूछा गया। ठीक, कितने दिन की यात्रा भारत आए थे, ऐसे करके। ठीक, तो ये चीज़ हमने आपको दे दी। ये इंडो नॉर्वेजियन बिजनेस कॉन्फ्रेंस के जो मीटिंग है उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगी, इनका नाम जरूरी हो गया है। और नॉर्वे की बात करें तो आप कैपिटल करेंसी तो इंपॉर्टेंट है ही है, तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, और करेंसी क्या है, क्रोन है, ये आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। तो अगर आपने कंट्री करेंसी का मेरा पहला पार्ट देखा है, तो उसमें मैंने नॉर्वे की करेंसी क्रोन बताई है, याद करने की ट्रिक भी मैंने बताई उसमें। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आई है, और ये इंडो नॉर्वेन बिजनेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगी, और करेंसी और कैपिटल हमने आपको यहां पर बता दी है। आई होप कि आपको ये ओस्लो और ये क्रोन याद था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वर्ल्ड मैप में नॉर्वे कहां पे एग्जिस्ट करता है, देखिए यहां पर हमने इसकी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो वर्ल्ड मैप पे नॉर्वे देख लीजिए आप, यूरो जोन में सबसे ऊपर आता है, ये देख लीजिए यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको पर्सन ऑन विजिट की एक रिसेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज विजिट पे यहां वहां गए हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। जैसे कुछ दिन पहले आपको याद है मैंने पढ़ाया था, भूटान के प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया में आए थे, और देखिए आप डेनमार्क के फॉरन मिनिस्टर इंडिया में आए थे, प्रेसिडेंट कोविंद जी 5 दिन के टूर पर गए थे म्यांमार, ये सारी इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आज के आज इसे कंप्लीट कर लेना है। ठीक, क्योंकि ये ढूंढ ढूंढ के आपको दिया जाता है, वेंकैया नायडू जी कहां कहां गए, रामनाथ कोविंद जी और कहां गए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है, काफी प्यारी इंफॉर्मेशन है, याद कर लीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो वेंकैया नायडू जी कहां गए, देखिए और देखिए यहां पर सुषमा स्वराज जी कहां गई, रामनाथ कोविंद जी और कहां कहां गए, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर हम दे रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और स्पोर्ट्स की बात करते हैं। स्पोर्ट्स रिमेंबर डेज, देखिए रिमेंबर डेज, डेज की आप बात करें तो याद करने का तरीका क्या है, बहुत सारे बच्चे मुझसे ट्रिक मांगते हैं, ट्रिक है मेरे पास, लेकिन सारे डेज उसमें कवर नहीं हो पाते हैं, तो ये एक गैम्बलिंग हो गई। तो मैं आपको सजेशन दूंगा बेटा कि कम से कम आपको, जैसे मान लीजिए हम आज बात करते हैं, हमने एक टारगेट बना लिया कि इस मंथ में जनवरी के सारे डेज हमको ख़त्म करने हैं, आज के आज जनवरी ख़त्म करनी है, कल फरवरी खत्म करनी है, फिर मार्च, फिर अप्रैल, डेली के टारगेट्स बनाइए और खुद उसे अचीव करिए। जीएजीएस पढ़ने का यही एक तरीका होता है, आपके टारगेट्स क्लियर होने चाहिए, शनिवार को या रविवार को पूरे वीक का करंट अफेयर्स रिवीजन करना, टारगेट्स बनाएं और उसे खुद अचीव करें बेटा, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो टारगेट बनाइए, और यही मैथमेटिक्स, यही रीजनिंग, यही इंग्लिश, सब में यही होना चाहिए, आपको खुद टारगेट बनाना चाहिए और खुद उसे अचीव करना चाहिए। चलिए अब यहां पर स्पोर्ट्स की बात करेंगे, और हम बात कर रहे हैं रॉजर फेडरर वॉन हॉपमैन कप, हालांकि इन्होंने अकेले नहीं जीता, हॉपमैन कप की बात करें तो ये मिक्स डबल्स होते हैं, तो यहां पर आपको अलेक्जेंडर ज़ेवरेव भी दिखाई दे रहे हैं, अगर आप पहचानते होंगे तो, भाई मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो मैं थोड़ा सा पहचानता हूं, आपको होगा तो आप भी पहचानेंगे। तो हॉपमैन कप की बात करें, एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, हॉपमैन कप बेटा खत्म हो रहा है, और 2020 से हॉपमैन कप की जगह कोई एक WTA टूर ले लेगा, मतलब WTA का मतलब अभी पूरा इसका नाम नहीं रखा गया है, तो वो ले लिया जाएगा, तो ये लास्ट हॉपमैन कप होगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। आइए देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको हम दे सकते हैं अपने इस सीरीज में। ठीक है, चलिए देखिए, तो स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और बेलिंडा बैंकिक ने हॉपमैन कप जीत लिया है, इन्होंने किसको हराया है वो देख लीजिए, तो इन्होंने हराया है एंजेलिक कर्बर को और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को, एंजेलिक कर्बर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव हारे हैं, और रॉजर फेडरर और बेलिंडा बैंकिक जीती हैं हॉपमैन कप, आपको इसका इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। तो ये बड़ा जरूरी था आपको देने का इन्फॉर्मेशन, याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये लास्ट हॉपमैन कप है, और हॉपमैन कप लास्ट है तो एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। हम आगे बढ़े और बात करते हैं आपसे, देखिए तो रॉजर फेडरर ऐसे पहले प्लेयर हैं जिन्होंने 3 टाइम हॉपमैन कप जीता है, 2 बार बैंकिक के साथ और 1 बार मार्टिना हेंगिस के साथ, मार्टिना हेंगिस का नाम आपने सुना होगा शायद, स्विट्जरलैंड की ये प्लेयर थी, ये भी थी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन की, देखिए द हॉपमैन कप विल बी रिप्लेस बाई द ATP टूर्नामेंट इन 2020, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था।
याद कर लेंगे इसे। और अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा एडिशन था, तो ये 31st एडिशन था, ये देख लीजिए। और ये हॉपमैन कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ पर्थ में, ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 31st एडिशन था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, कौन जीता कौन हारा ये पूरी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, ठीक है, याद करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। यहां पर सीमा पूछ रही है सर हॉपमैन में क्या होता है, हॉपमैन बेटा टेनिस टूर्नामेंट है, यहां पे टेनिस खेलते हैं, ये प्लेयर्स के नाम बेटा पता होंगे ना आपको, ये टेनिस से बिलोंग करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम सिंगल विनर। तो 2018 में यूएस ओपन किसने जीता कौन हारा, विंबलडन किसने जीता कौन हारा, फ्रेंच ओपन किसने जीता कौन हारा, और ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता कौन हारा। तो 2018 के जो बड़े बड़े इवेंट हैं, मेनली चार इवेंट ही बड़े होते हैं, एक यूएस ओपन, एक विंबलडन, एक फ्रेंच ओपन और एक ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो उसमें सिंगल की बात करें, मेन सिंगल की बात करें, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है, और ये भी आप याद कर लीजिएगा, बिकॉज आपके जो भी एग्जाम्स होने हैं उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये पूरी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, इसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिर से स्पोर्ट्स पे है, और यहां पर फिर से हम टेनिस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, और टेनिस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र ओपन की। महाराष्ट्र ओपन कह लीजिए, या महाराष्ट्र ओपन को स्पॉन्सर करता है टाटा, तो टाटा ओपन भी आप बोल सकते हैं। यहां पर हम डबल्स की बात कर रहे हैं, तो बोपन्ना और शरण वॉन द टाटा ओपन टाइटल डबल्स में। डबल्स की बात कर रहे हैं, सिंगल की बात अभी नहीं कर रहे हैं, तो आपको नाम पहले मालूम चल गया, ये लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, हाथ में ट्रॉफी लिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए यहां पर तो रोहन बोपन्ना और दिविज शरण जो हैं, इन्होंने टाटा ओपन महाराष्ट्र, आप इसे महाराष्ट्र ओपन भी बोल सकते हैं, या फिर मैंने क्या बोला कि महाराष्ट्र ओपन को स्पॉन्सर करता है टाटा, तो टाटा ओपन भी बोल सकते हैं। ये कहां पर हुआ, पुणे में, ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी थोड़ी जरूरी है, कहां पर हुआ, पुणे में हुआ, ठीक है। चलिए देखिए, तो इन्होंने किनको हराया है, इन्होंने ब्रिटेन के ल्यूक ब्रामबिज और जॉनी ओमेरा को हराया है फाइनल मैच में। हम डबल्स की बात कर रहे थे, अगर आपको पता है सिंगल्स किसने जीता तो जरा मुझे यहां पे कमेंट करें, सिंगल टूर्नामेंट किसने जीता, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो करंट अफेयर्स। तो डबल्स की बात तो हमने आपसे यहां पर कर ली है। चलिए और आगे बढ़ते हुए आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यहां पर, देखिए तो ये बोपन्ना का 18वां एटीपी है, मतलब टाइटल है, और शरण ने अपना चौथा टूर्नामेंट ये जीता है, ठीक है। तो ये इतना खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये भावनाओं को समझने वाली बात है, और यहाँ पर कॉमन मैन का बिल्कुल सही आंसर आ गया। और देखते हैं कोई आंसर देने वाला यहाँ पर है, बताइए मुझे सिंगल्स किसने जीता, एक आंसर अभी आया है। बॉबी ठीक है, बिल्कुल सही है, अंशुल पांडे बिल्कुल सही है, चेतना बिल्कुल सही है, वेरी गुड बेटा। और देखिए तो केविन एंडरसन ने डिफीट किया है आइवो कार्लोविक को महाराष्ट्र ओपन के सिंगल फाइनल में, सिंगल टाइटल में। हम डबल्स की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे थे, अब सिंगल की बात कर रहे थे। अच्छा ये तो हो गया, अब इसके नीचे एक बड़ा ही अच्छा इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया है। देखिए जो ये टेनिस के चार बड़े टूर्नामेंट होते हैं वो कैसे कोर्ट में खेले जाते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा है, और इसलिए मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। जैसे यूएस ओपन की बात करें तो ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर एक टफ बिछाई जाती है, यहाँ पर ग्रास नहीं होती है, ठीक। फ्रेंच ओपन, इसे हम लाल बजड़ी बोलते हैं, क्ले कोर्ट का बादशाह कौन है, राफेल नडाल है, आपने कई बार सुना होगा। तो फ्रेंच ओपन का अगर आपने टूर्नामेंट कभी देखा है तो ये रेड रंग का इनका पूरा अपना वो होता है, जो इनका जहां पे टेनिस खेलते हैं ये लोग कोर्ट, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो हार्ड कोर्ट ये भी होता है, और विंबलडन की बात करें तो ये ग्रास कोर्ट होता है। ये इसे हल्के मत लीजिएगा, एग्जाम में मैंने खुद देखा है, मैंने एग्जाम दिया है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसे याद कर लीजिएगा, ये अपडेटेड है, ये चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंटली क्या चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। ये हार्ड कोर्ट क्या होता है, क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट एंड ग्रास कोर्ट, एक कारपेट कोर्ट भी होता है, हालांकि अब वो बंद हो गया धीरे धीरे, ठीक। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी। आगे बढ़ते हुए आपको बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। शुभांशीष जी बिल्कुल अच्छा हूं, मैं एकदम अच्छा हूं। आगे बढ़ते हुए आपको कल्चर की बात करेंगे, तानसेन महोत्सव टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में तानसेन महोत्सव आयोजित किया जाएगा, तो पहले ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। फेस्टिवल्स एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपको पता है, और फेस्टिवल पे मैंने एमसीक्यूज भी आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो तानसेन महोत्सव टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, पहली इन्फॉर्मेशन। चलिए 18th edition है ऑफ द स्वामी हरिदास तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 10th जनवरी 2019। तो पहली इंफॉर्मेशन, तो 18th एडिशन आपको याद रखना है, और ये स्वामी हरिदास तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव ये याद रखना है, कहां पर होगा, दिल्ली में होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा उसकी बात करें तो इट इज डेडिकेटेड टू 16th century poet एंड म्यूजिशियन स्वामी हरिदास एंड
मियाँ तानसेन। तो मियाँ तानसेन और स्वामी हरिदास को 16वीं शताब्दी के जो हैं उनको समर्पित किया जाता है, ये चीज़ दिखाई जा रही है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो कहाँ पर होगा और कौन सा एडिशन है ये आपको याद रखना था। तो हम आगे बढ़ेंगे और आपको हम फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे और यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आ चुकी है। देखिए तो देखिए कल्चर की बात कर रहे थे, तो इसका आयोजन भारतीय संगीत सदन और श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा किया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। कहाँ पर हुआ फेस्टिवल वो आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और कल्चर की बात करेंगे, तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का उद्घाटन हो चुका है और आपको पता है कि हमारे इंडिया में ये कहाँ पर होता है, कभी जाइए, बड़ी अच्छी जगह है, मैं गया हूँ और वाकई बहुत मज़ा आता है। अभी तो एग्ज़ाम दे लीजिए उसके बाद करिएगा ये सब, ठीक। तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का उद्घाटन हो चुका है, कहाँ पर आइए देखते हैं। तो गुजरात की बात करें तो 9 डे का इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो है ये साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में किया गया, ठीक है। अच्छा ये देख लीजिए, तो अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर ये हो रहा है। द फेस्टिवल इज अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन फॉर मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आप लोगों को पता है, मकर संक्रांति में हम लोग घर होते हैं तो गंगा जी में नहाना पड़ता है, ठंडी में भाई हालत खराब हो जाती है, ठीक। तो मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये फेस्टिवल इस मौके पर ये होता है, ठीक। और यहाँ बताया गया है कि मोर देन 150 काइट फ्लायर्स फ्रॉम 45 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द फेस्टिवल। तो ठीक है, ये आपने देख लिया, ये इन्फॉर्मेशन तो आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी क्योंकि ये एक अबाउट टू वाली बात होती है, एकदम कंफर्म नहीं होता है, तो देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको हम थोड़ा दिखाते हैं, अबाउट 500 मतलब इंडिया से 500 पतंग उड़ाने वाले इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपने देख ली, अच्छी जगह है, कभी जाइएगा जरूर सिलेक्शन के बाद, ठीक। देखिए तो अब आपको हम लिस्ट ऑफ फेस्टिवल दिसंबर की बात यहाँ पर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, मैं इस पर MCQs भी ले चुका हूँ और आपको यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ कि कहाँ पर आपके कौन सा फेस्टिवल हुआ। जैसे इंडियन पैनारोमा फिल्म फेस्टिवल न्यू दिल्ली में हुआ, उसके बाद कैमल फेस्टिवल की बात करें बीकानेर में ये होगा, और द्विजिंग फेस्टिवल कहाँ पर हुआ तो ये असम में हुआ, उसके बाद सारे हैं। देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, तो अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो हमारे PDF से आप कर भी सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है बेटा, हम आगे बढ़ते हुए आपको दिखा रहे हैं और देख लीजिए। तो क्रिकेट करी फेस्टिवल ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, किस एग्ज़ाम में, शायद आई थिंक RRB ग्रुप डी पूछा गया था, तो जापान में ये हुआ था, तो ये भी आ चुका है वैसे, हालांकि ये सब ज़रूरी है आपको याद रखना चाहिए, याद कर लीजिएगा आज का, आज एक बार रिवीजन वाली बात यहां पर हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको हम नेशनल अफेयर्स की बात करने जा रहे हैं और कोटा फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड अपर कास्ट की बात यहां पर करने जा रहे हैं। काफी ये शॉकिंग और घुमा देने वाला था, मतलब कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि मतलब जनरल कास्ट को भी रिजर्वेशन मिलेगा और 10% का मिलेगा, मतलब ठीक है काफ़ी ज़्यादा है ये, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। अब देखिए कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, फिलहाल हमारा मुद्दा यहाँ पर केवल करंट अफेयर्स का है, कोई भी पॉलिटिकल रीज़न का नहीं है, तो हम उस पर ज़्यादा घुस के बात नहीं करेंगे और मैं आप कमेंट भी नहीं पढ़ूंगा, आप लोग मुझे वो कर दोगे कि नहीं सर ये वो इधर उधर, हालांकि देख लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम बात करें यूनियन कैबिनेट की, तो यूनियन कैबिनेट ने 10% रिजर्वेशन को अप्रूव कर दिया है फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड अपर कास्ट इन गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है, अच्छी चीज है, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ कि सबको मौके मिलने चाहिए, जो गरीब है उसको वाकई में मौके मिलने चाहिए, जिसकी इनकम लेवल काफ़ी कम है, क्योंकि ये हम लोगों ने काफ़ी करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है। कई लोग होते हैं टैलेंटेड होते हैं लेकिन आगे नहीं पहुँच पाते हैं ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन अब क्या है रीजंस नहीं होगा, अब बच्चों के पास रीज़न नहीं होगा कि हमें मतलब नहीं मिलता है मौका, देखिए मौका आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक। और ये आपको पता ही है 8 लाख पर ईयर, और भी इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे स्लाइड में, परेशान मत होइए। तो द रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल फॉर दोज बिलोंगिंग टू द अपर कास्ट एंड अर्निंग लेस देन ₹8 लाख पर ईयर, तो उनको ये रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या आपको मिलता है। देखिए अब जो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 15 और 16 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में कितने अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं फॉर GST के लिए या फिर बैकवर्ड क्लास के लिए, अभी जो अमेंडमेंट हुआ था लास्ट टाइम पर, तो कितने हुए हैं, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 और 16 में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी हमारी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने कहा कि इसी सेशन में जो आने वाला है उसमें ही हम पास कराएंगे बिल हमारे लोकसभा से। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर दिखाते हैं प्रेजेंट टाइम में कास्ट सिस्टम क्या है हमारा और कितना कितना परसेंटेज है। अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें 27% रिजर्वेशन का है, शेड्यूल कास्ट की बात करें 15% है, शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 7.5% है। लेकिन एक बार समझिएगा, कुछ बच्चों का मेल आया मेरे पास, बच्चे बोल रहे थे कि सर एक बात बताइए, मतलब कि अब तो जैसे पहले की जनरल कास्ट के लिए था 60% रिजर्वेशन और हमारी इनकम 8 लाख से ऊपर है, लेकिन 10% का रिजर्वेशन आ जाएगा तो फिर तो हमें 40 मतलब
सॉरी 50% है, हाँ 40% में ही लड़ना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 50% से ऊपर का रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। तो अब जहां तक गवर्नमेंट का कहना है कि 10% एक्स्ट्रा, तो हाँ आपको शायद 40% में लड़ना पड़े, और या फिर यह भी हो सकता है कि किसी का थोड़ा थोड़ा कम करके आपको मिले। देखिए अभी क्लियर नहीं है, तो 15-16 का जो अमेंडमेंट है उसमें क्या होता है आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट यह करेगी, गवर्नमेंट इसको जो 50% का रेशियो है उसको बढ़ा के 60% करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो यह होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आगे क्या होता है देखिए, वो तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। ठीक है, सी स्टार बोल रहे हैं 50 में ऐड नहीं होगा, मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा हूं, मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा हूं। देखिए क्या होने वाला है अभी मालूम चल जाएगा आपको। ठीक है, हाँ अभी बता रहे हैं राजदीप जी, बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं ना, काहे परेशान हो रहे हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आपको दिखाई पड़ रहे हैं और 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। अब यहाँ पर देख लें किसको किसको बेनिफिट मिलेगा, तो जिनकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है आपको ये तो दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद देखें ओन लेस देन 5 हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, और जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम की जमीन है वो भी इसमें शामिल होंगे। ओन होम्स स्मॉलर देन 1000 square feet, आपका जो घर है वो 1000 feet से 1000 square feet कम होना चाहिए। और देख लीजिए ओन रेजिडेंशियल प्लॉट्स बिलो 100 square yard इन नोटिफाइड म्यूनिसपैलिटीज और 200 square yards इन नॉन नोटिफाइड म्यूनिसपैलिटी एरियाज। ठीक है, तो ये हमने आपको चार इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी, आप एक या दो की बात कर रहे थे। ठीक, तो देख लीजिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की हम बात करें तो ये क्राइटेरिया रहने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये आपको मिल गया। ठीक, मोहम्मद आसफ करें अब की बार मोदी नो मोदी सरकार। चलो आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करेंगे। और शेख हसीना जी बन गई हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, आपको ये पता है मतलब इन्होंने शपथ ले ली है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देना। देखिए एक बात समझिएगा, जैसे हमारे देश के आसपास जैसे भूटान हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, तो जब भी कोई पार्टी पावर में आती है तो आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम तो पता होना चाहिए, उनकी पार्टी का नाम भी पता होना चाहिए, और जो इलेक्शन हुआ उसमें इनकी पार्टी ने कितनी सीट जीती ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम्स में मैंने क्वेश्चन खुद देखे हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें समझा रहा हूँ हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या होता है। तो यहाँ पर शेख हसीना जी को आप देख सकते हैं, इनकी इमेज आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो शेख हसीना जी ने प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली है बांग्लादेश की, पहली इंफॉर्मेशन आपके लिए। दूसरी इंफॉर्मेशन, तो बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है अब्दुल हमीद, तो इन्होंने शपथ दिलाई है, तो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट का नाम भी आपको मालूम चल गया है या पहले से आपको पता होगा। ठीक, उसके बाद बात करें तो शेख हसीना बिकेम बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th time, चौथी बार ये प्राइम मिनिस्टर बनी है अपने, हाँ मतलब अच्छा है। तो ये दौर चल गया है, आप चाहे तो व्लादिमीर पुतिन की बात कर लें, चाहे शी जिनपिंग की बात कर लें, अभी आप इनकी बात कर लें, तो हमारे पूरे वर्ल्ड में चल रहा है ऐसा कि कोई लीडर आ गया तो चलता ही जा रहा है। अब इंडिया के लिए क्या होता है देखिए, तो ये मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज इसमें आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। वो ये जो लेडी हैं ये आवामी लीग की प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर जी आवामी लीग की प्रेसिडेंट हैं, और आवामी लीग को इस बार टोटल 299 सीट में से 288 सीट मिले, ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। एक होता है जीतना, एक होता है रौन देना, अब समझदार आप लोग हैं क्या हुआ होगा इसमें। ठीक, तो ये चीज़ आपको हमने आपको समझा दी है, यहाँ पर आपको सीट्स की इन्फॉर्मेशन दे दी है। देखिए बांग्लादेश वर्ल्ड मैप में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है और इंडिया के कितने पास है, तो ये देखिए आपको यहाँ पर हम मैप के थ्रू समझाना चाह रहे हैं। तो बांग्लादेश की बात करें तो वेस्ट बंगाल से सीधा ये सटा हुआ है, बिहार बॉर्डर के पास भी ये पड़ता है, तो ये देख लीजिए बांग्लादेश की स्थिति कहाँ पर है इंडिया के हिसाब से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए दोस्तों एक बात समझ लीजिएगा कि ये तो हमारा हो गया है, आलोक वर्मा बोला इंडिया पुअर कंट्री है, इंडिया पुअर कंट्री है थी, आप युवा है ना, कहा गया युवा बदलेगा देश बदलेगा, तो आप तो पुअर नहीं है, आप अपने इरादों से भारत को मजबूत बनाइए। अब जो लोग यहां पे कमेंट कर रहे हैं जो बच्चे, तो देखो तुम ही लोग कर सकते हो कुछ, कल को तुम लोग बैंक में जाओगे, एसएससी में जाओगे, रेलवे में जाओगे, तुम लोग से पूरी उम्मीदें हैं कि तुम लोग घूस नहीं लोगे, ब्राइब नहीं लोगे, दहेज नहीं लोगे, अगर ये कर पाओ तो फिर कमेंट करना, है ना। तो यार सब कुछ हमारे हाथ में होता है, हम ही देश चला रहे हैं, हम ही चुनते हैं लोगों को, तो आप पर डिपेंड करेगा। मान लो हम लोगों का तो उम्र हो गया, हम लोग बूढ़े हो गए, लेकिन तुम लोगों की तो उम्र अभी है, तो युवा बदलेगा देश बदलेगा, आप बदलेंगे देश अपने आप बदलेगा। देखिए यहाँ पर तो बांग्लादेश इंडिया की बात कर रहे हैं, ये लोग आपस में 4156 किलोमीटर का एक लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है वर्ल्ड वाइड, 5वां सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया और बांग्लादेश शेयर करते हैं आपस में, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ नो ब्राइब, नो ब्राइब तो ठीक है, दहेज की बात ही कर लो ना यार, हाँ चलो सही है सही है।
देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको दिया है कि जो बांग्लादेश, जो इंडिया के स्टेट हैं, वो कितना कितना किलोमीटर शेयर करते हैं बांग्लादेश की बाउंड्रीज, जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, ठीक है। हाँ, आई लव माई इंडिया, अब समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए, डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो इंडिया और बांग्लादेश आपस में जो डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम है संप्रीति। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान देनी है। और देखिए, आपको पता है कि सितंबर में बांग्लादेश ने अपने दो पोर्ट को यूज करने के लिए इंडिया को अप्रूवल दे दिया। ये बड़ी प्यारी इंफॉर्मेशन है। एक है चिटगांव और एक है मोंगला पोर्ट। तो ये भी इंफॉर्मेशन याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो ढाका कैपिटल है और टका करेंसी है, जिसकी इंफॉर्मेशन हमने आपको यहां पर दे दी है। हाँ विवेक जी, देखिए 101 करंट अफेयर्स वाला आज देखिए आपको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मिलने वाला है। याद रखिएगा, 4 o'clock पर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपको कॉन्टिन्यूअस क्लास मिलेगी, और जो बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास चल रही है वो तो आपको मिलेगी शाम को 5 बजे। हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे बेटा आपको, ठीक है, आप परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। एमसीक्यूज है नहीं हमारे पास, तो कल से हम आपको एमसीक्यूज भी देंगे। तो कैसा लगा हमारा शो हमें ज़रूर बताएं। कोई आपको चेंजेस चाहिए, आपको लगता है कि आप अपने बड़े भाई को कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हो, तो यहां पर मेल आईडी दी हुई है, वहां पर सजेशंस दीजिए। आपके सजेशंस ने ही हमारे करंट अफेयर शो को इतना ऑसम बनाया है। मैं और भी सारे करंट अफेयर शो देखता हूं, लेकिन कॉन्फिडेंस की बात करें तो मुझे अपने शो में ही आती है, बिकॉज हम करंट अफेयर्स तो आपको देते ही देते हैं, हम एमसीक्यूज तो आपको देते ही देते हैं, जबकि हम आपको पिछली इंफॉर्मेशन भी देते हैं और स्टडी पॉइंट भी भर भर के देते हैं। तो जो भी स्टडी पॉइंट को फॉलो करेगा या गाइडेंस को फॉलो करेगा, उसका करंट अफेयर्स अच्छा होगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो 7:30 पे जरूर आए हमारे साथ, हमसे बात करें, काफी कुछ हमें सिखाएं और हमसे सीखें। और शाम को 5 बजे बैंकिंग अवेयरनेस का कमाल का बैच आएगा, आपको वहां पर भी आना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। अपना ध्यान रखिए और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए। आई एम व्हाट आई एम। जिद किया है सिलेक्शन लेने का, तो जिद करो ना, डरो मत, परेशान मत हो। और बाकी हम लोग यहां पर हैं बैठे हुए। थैंक यू सो मच गाइस, आप सबका दिन मंगलमय हो।